नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो मु अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। राज्य में तलमुहा कोरोना संक्रमण गत 24 घंटे 3631 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 506 और कटकु 438 आक्रांत चिन्हट आउ 39 मुंड नेला महामारी। राज्य में आज अनलॉक आरंभ 14 दिन पर लॉकडाउन आंशिक कोहल 17 जिले में कटकणा अधिक कोहल। राजधानी समेत 13 जिले में दुकान बाजार 11 परिवर्ते गोटाए जाए खोला बाकी सब कटकणा बलवत्तर। नयगढ़ कुनी बेबी को मारिला किए पुणी परी घटनार पुनरावृत्ति निखोजर 5 दिन पर मिलला नाबालिकार मृतदेह जड़े अटक थिबा सूचना। अंग तस्करी आंगेल रे पुलिस करिब तो तदंत उठिला प्रश्न। धरा पड़ा ट्विटर सांप्रदायिकतार खेल सोशल मीडिया प्लाटफर्म पर बढ़ला अड़ुआ जाशु हिंसा बढ़ावा भली वीडियो वायरल करने अभोग मामला रुजु ट्विटर को जवाब मांगा उत्तर प्रदेश पुलिस। चर्चा रे अभिनेता सव्यंक स्माइल फोर्स रो सुपर गर्ल्स कोविड रोगी सहायता पर आगे आसिले महिला आइसोलेशन में थिबा रोगी को निजे देउछंती खाइबा पार्सल सह मेडिसिन सोशल मीडिया रे छुटिला प्रशंसार छुआ। एवं कटकणा भितर सरिला प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा मां पार्वती हाथ धरिले बाबा महादेव विवाह मंडप रे जुगल बेश रे पूजा पाइले देवदंपति। देखो संपूर्ण खबर। राज्य में लगातार भाव में कमिबार लगी कोरोना संक्रमण संख्या गत 24 घंटा मध्य राज्य में 3631 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एमान 2069 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 1562 जन चिन्हट होता जमापड़े। आज खोर्धा जिलूार सर्वाधिक 506 आक्रांत चिन्हट होती गत 24 घंटा मध्य कटकु 438 जाजपुर 305 अनुगुल 204 बालेश्वर 262 चिन्हट होती वर्तमान पर्यंत राज्य में 866692 पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरे 817369 जन सुस्थ होती एवं 45809 जन सक्रिय संक्रमित अच्छा गत 24 घंटा 5579 जन आक्रांत सुस्थ होती। दिव्यज्योति महांति आम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना पर दिव्य केउटना केउठी राज्यवासियों पर आश्वस्ति खबर जे कोरोना संख्या लगातार भाव कमिबार लगी देखो अपूर्व निश्चित भाव में आश्वस्तिकर खबर कहीपर जो धारा आम आकलन करें राज्यर संक्रमित संख्या कम सक्रिय संख्या कम आम से सफल हो लॉकडाउन अनलॉक प्रक्रिया जदि वर्तमान आरंभ हो लॉकडाउन विशेष प्रभाव पड़ी जो संक्रमित संख्या कमिया पक्ष देखो आज देखिए 45809 वर्तमान सक्रिय संक्रमित संख्या रही अर्थात आम 50000 तल को नहीं आसे संक्रमित सक्रिय संक्रमित संख्या टीपीआर जो देखिए टीपीआर वर्तमान अच्छी 5.72 अर्थात 6% तल को आम नहीं आसे टीपीआर रेट को कि सबुठ बड़ कथा हूँ यार भितर जाजपुर जिला गोटे नुआ चिंता बढ़ुची जाजपुर जिलार टीपीआर लगातार बढ़ी चलती गत 4 दिन हम 4 दिन तले देखिए 20% तला टीपीआर वर्तमान 20% ऊपर चली आसा पाखापा 24% रोच अर्थात 100 टेस्टिंग 24 जन संक्रमित से चिन्हट होती जहां सब चिंता बढ़ाई जाजपुर कौन अधिक करे से सरकार चिंता कर गत काली सरकार अनलॉक नहीं निष्पत्ति नहीं जाजपुर को रखा जा जो 13 जिला बी कैटेगरी आठ रखा जा तथापि एटी जो संक्रमित संख्या संक्रमण हार बढ़ुची चिंता बढ़ती आज सेरो सर्वे आरंभ हो ब्रह्मपुर कोरापुट यह किसी जगह सेरो सर्वे करा देखा जा प्रकृति में जो संक्रमण हार बढ़ा कारण कौन से सब दिगे अनुशीलन आकलन होता देखिए आज राज्यर पाखापाखि 17 जिले में 100 तले रही संक्रमित संख्या जहां सब आश्वस्तिकर खबर कहो कारण खोर्धा और जाजपुर यह किसी जगह छाड़देले बाकी सब जगह पाखापाखि बहुत कम रही संक्रमण हार जहाँ को गोटे भल खबर कहो डेथ 39 जन मुंड नहीं महामारी कोरोना संख्या तो कमुची 15 संख्या आसी 3000 छुईला किंतु मृतकों संख्या किंतु कमिबार ना धुनि के 43-44 तो आज 39 पहुंची संख्या यहाँ के उठना के उठी चिंता बढ़ाऊ नहीं किए
निश्चित भाव जो लोक मैंने मृत्युबरण होकर प्रियजन और परिवार लोकों सिचुएशन कौन थी आपन निजे अनुमान करेंगे जदि आपन केवल जून मासर डाटा को देखिए जून मासर डाटा कहती जून मासर सतर दिन भितर लक्षे एक हजार छह अड़सठ संक्रमित चिन्हट होता बेले सतश सतर मुंड ने महामारी जितेबले की आकलन यो संख्या मे मस रही सतश एगार अर्थात मे मसर सर्वमोट जी मृत्यु होता तार वर्तमान आहरी अधिक बढ़ला अर्थात जदि यही हार में मृत्यु संख्या मानने सामना को आसे ताल हजार क्रस कर आकलन करा स्वास्थ्य विभाग कहूँ जेहेतु क्रिटिकल पेसेंट एवं भी अच्छा आईसीयू मेटिलेटर से मृत्यु संख्या आगे बढ़ी पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते जे गोटे पटे राज्य में कोरोना संक्रमण संख्या कमिबार लगुच पॉजिटिव को संख्या कमिबार लगी आज ये संख्या आसी तीन हजार छुईं तीन हजार छः सौ एक पहुंची बेले किंतु सेपटे मुंड ने महामारी अर्थात महामारी जो भाव लोकंर मृत्यु होता पॉजिटिव चिन्हट होगापर से मृत्यु संख्या किंतु कमिबार ना ने आज अड़चाश जनकर मुंड नहीं महामारी कोरोना गत चौबीस घंटे क्योंठना क्योंकि यह स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राज्य सरकार का चिंता एवं भी बढ़ाऊँ राज्य में मौसुमी वर्षा जारी रही है। गुरुवार सकाळ विभिन्न जिले में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होइथिबार अनुमान करा जाउछे। जून 19 तारीख पर्यंत राज्य विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होने आकलन करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। आज मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्दुझर सुंदरगढ़ जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा एवं 18 तारीख में देवगढ़ अनुगुल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर केन्दुझर और बरगढ़ जिले में गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है। उन्नीस कलाहांडी नुआपड़ा कोरापुट गंजाम स्थान स्थान प्रबल वर्षा होबार रही संभावना। 20 तारीख में उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान एवं 21 समग्र राज्य में पाग सुखिला और खराटिया रहा नहीं आकलन करणिपाग विभाग। कविता स्वयं प्रतिनिधि अच्छा सिद्धार्थ नहीं चलु अधिक सूचना कविता आगामी 24 घंटा पाणीपाग केन्द्र कौन आकलन कर अपूर्व जी कह राज्य सारा राज्य में सक्रिय रही मौसुमी एवं जीक आशा करा स्वाभाविक ठारू 102 प्रतिशत अधिक वर्षा होती जहाँ आंचलिक पापा विभाग पक्षर स्पष्ट कर जो स्वाभाविक वर्षा रही 16 जिले में 20 प्रतिशत अधिक वर्षा होगा कहुच्छा सहित जी कह कि आगामी 2-3 दिन पर्यंत एमती वर्षा लगे एवं अधिक प्रबल वर्षा किसी जगार हो पारे जहाँ आशा करा विशेषकर उत्तर ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होने संभावना रही जहाँ आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना आसी सहित जी कह कि जो उत्तर बंगोपसगर जो लघुचाप सृष्टि होता ता वर्तमान दुर्बल हो सारी तो पूर्व किसी दिन जी कह कि जगार प्रबल वर्षा देखा मिलता किंतु एवं जेहेतु लघुचाप दुर्बल हो जेहेतु लघुचाप दुर्बल होतीपाई विभिन्न जगह एवं 2-3 दिन पर्यंत विशेष भाव में वर्षा रहा उत्तर ओडिशा विशेषकर प्रभाव टी पक आदि कह येलो वार्निंग आज पाई केतटा जिला को येलो वार्निंग जारी कर सबू जिला गुड़ाक रखा चाहिए खोर्धा कटक पुरी जगतसिंहपुर मलकानगि अनुगुल जाजपुर कंधमाल ढेंकानाल विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर कहीं जी कह भुवनेश्वर कथा आकाश मेघाच्छन रह झिपिझिपि वर्षा होती कह एमती पाग रही जहाँ आंचलिक पापा विभाग पक्ष कहुच्छे चाषी विभाग तरफ किसी सूचना दि जाइए चाष कम यर्ष स्वाभाविक रही मौसुमी अधिक वर्षा आना कम वर्षा आने कि सूचना आसी चाषी मौसुमी आसवा पूर्व ही स्पष्ट कराला आंचलिक पापा विभाग कहला कि स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेब विशेष भाव से ही कहुच्छे कि काली जहाँ अपडेट आसी अनुसार कि अधिक स्वाभाविक ठारू 20% अधिक वर्षा होली जहाँ कहुच्छे ता सहित जो 102.3% वर्षा वर्तमान हो सारी स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा आशी कूल यह बेस शुभंकर जहाद्वारा चाष कम भल हो बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वयं प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते जे पाणीपाग आगामी 48 घंटा पे राज्य में केमती रहिबो किछि जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षार आशंका करा जाइतबा बेले आउ किछि जिले में मध्यम रु स्वल्प धरणर वर्षा हेबो बोले अनुमान करा जाइछे। आपण देखुछन्ते अर्गस अपडेट आगु रहिछे आहुरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ताहा पर नजर पकाइबा
ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ब्रेकफास्ट स्वागत। नयगढ़ में परिघटनार पुनरावृत्ति, निखोजर पांच दिन पर मिलला परित्यक्त स्थानर बेबीर मृतदेह। नयगढ़ बाणीकोछा थाना धुंदुगाड़िया ग्रामर छ वर्ष शिशुकन्या बेबीना नायक मृत्यु घटना रे सस्पेंस बढ़ी। एवटे पुलिस तदंत कहुछि दुष्कर्म पर हत्या, जड़े अटक नहीं नयगढ़ एसपी सूचना देते। एवं बड़ प्रश्न, बेबी को किए काहीं कला हत्या, आ पचर संगठित पिला चोरी राकेट्र हाथ अच्छी कि बाहुनी बाहुनी भूईरे लोटी जाउछि मा जियो को खोजी खोजी मारे अवस्था से विश्वास करि पारुनी ता बेबी फेरी पनि ता ओली ओली जियो चली जाइछि अफेरंता रहि छ बापार आखिर भी बेबी। नयगढ़ में परिघटनार पुनरावृत्ति, निखोजर पांच दिन पर मिलला बेबीर मृतदेह। नयगढ़ बाणीगोछा थाना धुंदुगाड़िया ग्रामर छ वर्ष शिशुकन्या बेबीना नायक गत पांच दिन तले गाँ दाटे खेलुवा बेले हठात निखोज हो जाता बेले आज गाँ पाख एक परित्यक्त स्थान उधार है बेबीर मृतदेह। नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटारियों नेतृत्व में एक टीम आज सर्च ऑपरेशन चलाइवा बेले बेबीर खंड विखंडित गलित मृतदेह मिलता नहीं सूचना देते। अंपे घटना जन को अटक रखा जा सूचना देते नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटारिया। केस सॉल्व है ना, एबे हमारे इन्वेस्टिगेशन चली और हमें प्रमाण सब लगाई के अपहरण समान ढंग गणित सब उधार अपहरण दिन प्रश्न बेबी को किए काही कला हत्या यह पछरे संगठित पिला चोरी राकेट रो हाथ अछि अंक तस्करी दिगरे तदंत करिबो त पुलिस ना परी भली चणकु दोषी देखाई चापी देबो पुलिस। ए जो बेबी रो घटना रे आमे अत्यंत मर्माहत आपण को माध्यम रे आमे जणैबा को चाहू आ केते प्राण नेले ए प्रशासन को शांति मिलिबो ए पुलिस एससी एवं कलेक्टर तुरंत प्रोएक्टिव हेकर कार्यक्रम ग्रहण करंतु अन्यथा समय लॉकडाउन रो शटडाउन रो समय अछि अन्यथा को विरोधी दल रखै देबे नाही। देखो गाँव में जनसाधारण बोधे शहर ऊर्ध न थे कि पुलिस शहर ऊर्ध अच्छा से कर्डन कर रखी क्या छाड़ू ना ये गोटे संदेहजनक कथ घटी कौन घटना घटी कौन विश्वास विश्वास गाँ लोक हिंपर पुलिस हिंपर जेहेतु आम से प्रकृत स्पट को जापार तार अनुसंधान करें कौन घट असुरक्षित नाबालिका खसी जाउछन्ति अपराधी राज्य में पिलांको निर्यातना रे दंड विधान हार भी मात्र 17%। ब्यूरो इनपुट सह नयगढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तबे परी आउ बेबी निखोज एवं मृतदेह मिलवा घटनाक्रम उपर आसंतु नजर पकाइबा। जुलाई 14, 2020 रे निखोज होइगला परी, सेपरि बेबी 11 जून रे निखोज हो जाइतला बेबी एवं परिवार लोके अभियोग आनिथिले। घर स्थान में खेलुवा बेले हला अपहरण परीर शिकार, अर्थात परी घर स्थान में खेलुवा बेले अपहरण शिकार होता सेपटे बेबी गाँ दाँड में खेलुवा बेले अपहरण शिकार होरी को खोजाखोजी पर भी परीर मिललानी परी को पाइले पुलिस परी निखोज पर खोजाखोजी करा कि परी को मिललानी सेपटे खोजाखोजी पर भी बेबी को मध्य पुलिस पाइला ना। 9 दिन पर मिलला परीर मृतदेह, सेपटे 5 दिन पर मिलला बेबीर मृतदेह। जुलाई 23 रे घर पाखर उधार है गलित शव परी शव केवल कई खंड हाड़ मिलता अवस्था सेपटे बेबी परित्यक्त अवस्था मिलला खंड विखंडित मृतदेह बेबीर। तो परी आउ बेबी भितर जो समानता आसी प्रथमे अपहरण अभियोग पर किसी दिन पर उभयों मृतदेह मिली एवं केउठ ना केउठी परिवार लोके नयगढ़ जिले में जिभली भाव अंग तस्करी राकेट सक्रिय होता बारंबार अभियोग करते परीर परिवार परीर माँ सेपटे बेबी को किए हत्या करी कौन पे हत्या करी एपर्यंत स्पष्ट होता बेले पुलिस कहूँ जे तदंत चली आज
ଘଟଣାର ରଫାଦଫା କରିବ, ଘଟଣାର କ୍ଲିୟର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ପରିଘଟଣା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାସ କରି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ବେବି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତା। ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱର ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ଲକ୍ 4.0। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବାର ସମୟସୀମାରେ କରାଯାଇଛି କୋହଳ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାଗୋରୀ ଏ ଓ ବିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ କଟକଣା ହଟାଯାଇଛି। 17 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ନିୟମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 6 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍, ଜିମ୍, ସେଲୁନ୍ ଓ ସ୍ପା ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 6 ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ କରାଯାଇଛି କୋହଳ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନ ଆଦି ଖୋଲା ରହିବ। ସେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୋକାନ ଓ କୃଷି ଉପକରଣ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ 6 ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ସେସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିକ ରଖି ଯେତେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ଚାଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ର ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାଆଳତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁଗଳ ବେଶ। ଏ ଯୁଗଳ ବେଶ ଦେବଦମ୍ପତି ଭକ୍ତକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯୁଗଳ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଓଲଟିଲା ଗାଡ଼ି, ବୋହିନେଲେ କାଙ୍କଡ଼। ରାଜଧାନୀର ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍, ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା କାଙ୍କଡ଼କୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନା ଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ନା କେହି ମାନୁଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ। ଲୋକଙ୍କ ବୋହିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ବି ସାଜିଲା ଦେଖଣାହାରି। କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ କରିବାରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା କାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଲଦାଯିବ ତା'ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ହିଁ କାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ତା'ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଜଧାନୀ ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବତୀ ବୟାନ ରଖିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଘର ବାହାରେ ହୋଇଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଏନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରର କବାଟକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ସୁଜିତ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି କଟକରୁ। କଟକ ସହରରେ ବଢ଼ିଲାଣି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ, କେବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତ କେବେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ,
और दुर्भाग्यजनक घटना। सहर में लगिता नकली कलंक दाग को दूर करने मुख्यमंत्री पदक्षेप नियंतु एने बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा संपादक दिलीप मल्लिक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चिठी लिखिंट। समस्त अर्गस अपडेट क्रिएट रखु मत दिंतु विदाय नमस्कार।